प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। आज राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने रैली स्थल का जायजा लिया और इस दौरान पंचारिया ने कहा कि मोदी को लेकर देश भर में क्रेज है। बीजेपी में किसी भी तरह की खींचतान से इनकार करते हुए कहा कि सब अर्जुन के साथ हैं। वहीं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान बीकानेर में भी बीजेपी के ही साथ हैं और दोनों ही नेताओं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। बीकानेर में इन दिनों तापमान बढ़ रहा है तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को आ रहे हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद भाजपा के नेता संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, नारायण पंचारिया हैं, मेयर हैं, नंद किशोर सोलंकी हैं, ये तमाम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। नारायण जी, मोदी की सभा निश्चित तौर पर अपेक्षा, उम्मीद और उत्साह तीनों बढ़ जाते हैं, लेकिन एक चुनौती भी होती है कि उस तरह की भीड़ जुटे। आपने देख लिया होगा, आपने ही दिखाया है कि वहाँ जोधपुर में कमल खिल गया, वैभव परावैभव की तरफ चला गया और वहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी जी को बड़ी संख्या में वोट मिले, शेखावत जी जीते। मैं आपको बीकानेर की बात करूँ, बीकानेर में कल आया, उसके बाद हमने देखा, जब बातचीत की तो लगा कि वो का वो अंडर करंट, जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में, जनता में। एक मीटिंग में गया था, बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के अंदर और उत्साह है नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मैं सोचता हूं कि बीकानेर लोकसभा की जनता और विशेष करके शहर की जनता पलक पावड़े बिछाकर शानदार स्वागत करेगी, अभिवादन करेगी। लाखों की तादाद में यहां पर लोग एकत्रित आए। बीकानेर में भी वही दृश्य होने वाला है 3 तारीख को सायंकाल, जब नरेंद्र भाई मोदी बीकानेर की धरती पर आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ी विशाल सभा यहाँ पर निश्चित जी। आप अर्जुन जी के कृष्ण बने हुए हो क्या? ये मेरा सौभाग्य है, पार्टी मेरे पर विश्वास करती है और पार्टी जो दायित्व देती है और जिसको उम्मीदवार बनाती है उसके साथ तन मन धन से और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लग के काम करता हूँ। प्रति जो उनका विश्वास था वो वास्तव में उन्होंने जो देश के लिए किया और जो विकास करवाया तो उसकी वजह से सभी के अंदर बस एक ही था कि मोदी जी को वोट देना है, देश के नाम पर वोट देना है। बीकानेर जो सीट है उसमें किसानों का बड़ा बाहुल्य है और कहा जाता है किसान जिसके साथ होते हैं सांसद वही बनता है, और जैसा कि जानते हैं कांग्रेस में कहा जा रहा है कि रामेश्वर डूडी ने बड़ी पैरवी की तब जाके टिकट मिला, तो ऐसे में क्या काट है आप लोगों के पास? ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी उसके अंदर 100% जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। ऐसा है कि आमदनी जो दुगनी है वो बिल्कुल किसान की हुई है, ऐसी बात नहीं है कि किसान की नहीं हुई है। जो कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी करने के जो कदम उठाने चाहिए, तो जो समर्थन मूल्य है तो समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया गया। कुल मिलाकर भाजपा के जो नेता हैं बेहद उत्साहित हैं, उन्हें लगता है कि मोदी मैजिक जो है बीकानेर में भी चलेगा। खैर, ये जनता को तय करना है और ये भी सच है कि अर्जुन मेघवाल के साथ जो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हैं उनके अपने नाराज हैं, लेकिन मोदी की ये सभा निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगी, ऐसा भाजपा के नेता मान रहे हैं। खैर, तय जनता को करना है कि क्या कमल खिलेगा या हाथ का परचम फहराएगा। कैमरा पर्सन अजीम के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।